हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, यह ट्रैक्टर है सोनालिका का DI 42 RX। ये 42 HP का ट्रैक्टर है। तो इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नया नया गाड़ी है, एकदम एकदम बिल्कुल नया है, एक महीना भी नहीं हुआ है ठीक से। तो इसमें एक प्रॉब्लम आया है कि इसमें ज़्यादा लोड नहीं है, फिर भी ये हाइड्रोलिक बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। देखिए ज़्यादा लोड नहीं है, थोड़ा सा ही लोड है, और धान इसमें लादा हुआ है। धान का पुआल तो हल्का ही होता है, ये धान कटाई के बाद इसमें लोड किया गया है। भींगा हुआ नहीं है, भींगा हुआ बेड़ा नहीं है, नॉर्मल सूखा हुआ बेड़ा है। और ये ज़्यादा ऊंचाई तक लदा हुआ भी नहीं, ओवरलोड भी नहीं है, फिर भी इसका हाइड्रोलिक देखिए बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। लगभग दुगुना टाइम ले रहा है इसे पूरा उठने में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने ये प्रॉब्लम शोरूम वाले को बताया, तो शोरूम वाले ने एक मैकेनिक भेजा हमारे घर में, और वो चेक करके बताया कि इसमें हाइड्रोलिक ऑयल का कमी है। तो हाइड्रोलिक ऑयल अगर आपका कम है तो आपका ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक भी धीरे धीरे काम कर रहा होगा। तो आप अपने ट्रैक्टर में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोलिक ऑयल को चेक करवाइए। अगर आपके ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक ऑयल अगर सही लेवल पर है तो हाइड्रोलिक बहुत अच्छे तरह से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।